वेदांत ने सौम्या का मुश्किल किया जीना। सौम्या हो गई है आज बेहद परेशान। चौकिए नहीं, ये सौम्या ही है जो आज किसी के सामने हाथ जोड़े नजर आ रही है, और तो और मोहतरमा गिड़गिड़ा भी रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सौम्या ये क्या और किसके सामने कर रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हीर के स्कूल के बच्चे उन्हें किसी बात को लेकर चिढ़ा रहे थे, लेकिन रोहन और सोहम अपनी बहन की बेइज्जती होते नहीं देख पा रहे थे। दोनों ने कुछ ऐसा कर दिया कि स्कूल के टीचर्स ने इन तीनों को ही स्कूल से निकालने का फरमान सुना दिया, और आज सौम्या बच्चों के स्कूल आई है और मैडम बच्चों के फ्यूचर के लिए टीचर से उन्हें ना निकालने की गुहार लगा रही है। लेकिन सौम्या की इन बातों का टीचर पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आप तमाशा मत करिए, अपने बच्चों को लीजिए और जाइए यहाँ। इतना ही नहीं, टीचर ने तो सौम्या को भी गार्ड से कहकर स्कूल के बाहर फिकवा दिया। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, इस तरह से बच्चों को मत निकालिए मैडम सर। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इन सब की वजह भी वेदांत ही हैं, जो आज भी सौम्या को पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बार वेदांत किन्नर का भेष बदलकर कुछ नया करने आ गए हैं। तो वेदांत आप ही बता दीजिए कि आप आज इस गेटअप में क्यों नजर आ रहे हैं। इसलिए आज का सीन तो ऐसा है कि हम सौम्या बच्ची का पीछा कर रहे होते हैं हीर का, तो सौम्या और मेरा एक तरह से ऐसा हिट एंड मिस चल रहा है कि सौम्या मुझे देख ना ले, पहचान ना ले। बस वही हम हीर का ऐसे ही पीछा कर रहे हैं कि बच्ची ठीक तो है। बेसिकली किन्नर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्ची सेफ रहनी चाहिए, वेदांत ना आ जाए। उन्हें पता नहीं है कि वेदांत उनके साथ ही है। मानना पड़ेगा वेदांत कि आप आज भी वैसे के वैसे ही हैं, तभी तो आप इन सब हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वेल, अब आप सब तो जान ही गए हैं कि रोहन भी वेदांत से ही मिले हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वेदांत की इस चाल का सौम्या कैसे मुकाबला करती है, और क्या मैडम बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने में कामयाब हो पाती है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।